प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर पोहरी सामुदायिक भवन पर ग्रामीण निकाय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जहाँ सर्वप्रथम राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा ने भाजपा के पित्र पुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया, जहां ग्रामीण निकाय में सम्मिलित जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का परिचय प्राप्त किया। प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन 4 सत्रों में किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण निकाय के प्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया, जहाँ प्रशिक्षण देने पहुंचे जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण वर्ग का जो आयोजन किया गया है उसका क्या उद्देश्य है एवं इस प्रशिक्षण वर्ग में कौन कौन सम्मिलित हुआ है? देखिए अभिषेक धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम करने वाला दल है और माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। इसमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हमें प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। उसी क्रम में हमारे जो नवीन जनप्रतिनिधि, जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हमारे सरपंच भाई हैं, हमारे जनपद सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको आज पूरे विधानसभा के प्रशिक्षित करने के लिए पोहरी विधानसभा में ये प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। इसमें 4 सत्र रहेंगे और चारों सत्रों में अलग अलग अध्यक्षता करने के लिए हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि आए हुए हैं। उस 4 सत्रों में पहला सत्र उद्घाटन सत्र रहेगा, इसके बाद और भी ऐसे 3 सत्र रहेंगे। इसके बाद दिन में दूसरे सत्र के बाद हम भोजन की व्यवस्था की गई है, पहले अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी और इसके पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया गया जो हमारे जनप्रतिनिधि आए थे ग्रामीण क्षेत्र के उनका, और दिन का जो दूसरा सत्र है उसके बाद भोजन रहेगा, इसके बाद चौथा सत्र आएगा, चौथे सत्र में समापन सत्र रहेगा और ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। हमारे वक्ता लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, जन कल्याणकारी योजना, इतिहास और विकास के बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे, ऐसे हमारे सत्र रहने वाले हैं। इस अवसर पर हम जो पधारे आपके माध्यम से उन सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सरपंच और जनपद अध्यक्षों, सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हर विधानसभा मुख्यालय पर पार्टी का प्रसन्नता, संगठन का प्रसन्नता, और संगठन ने सबको बुलाया, जितने हमारे जनपद सदस्य थे, सरपंच थे, जिला पंचायत सदस्य थे, जो सभी गणमान्य नागरों को हमने बुलाया और पार्टी की नीति नीति से उनको अवगत कराया। हमें सरपंच को कैसे चलना, जनपद को कैसे चलना और ज़िले को कैसे चलाना और हमारी विधानसभा में अधिक से अधिक विकास हम कैसे कराएँ, उस पर हम सब लोगों ने बैठ के चर्चा की और उन पर विस्तार से, और पूरा परिवार एकजुट था। और तुम्हारा कहना सही है, 23 चुनाव भी है, 24वां चुनाव है, और चुनाव का टेंशन आप लोग छोड़ दो, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा फुल बहुमत में आएगी और सरकार पुनः हम बनाएंगे, पूरे केंद्र में सरकार भाजपा की बनेगी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी।